अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट बाबा जी। रोज़ की तरह मेरा हसबे वादा तुहाडे नाल जिहड़ा एक प्रोमिस किया होया कि मैं गिली गिली पिंड पिंड जावांगा और मैं वो चीज़ा सामने लैके आवांगा जिहड़ियां कोई नहीं दिखाएगा। यह पिछे बनिया होया एक डिफरेंट स्टाइल का मंदिर है। मैं कहांगा कि घट वैसे मैं उदासीपन के डेरे जो सन इस तरह के मिलते सन, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा कि कृष्णा मंदिर जोड़ा वो इस शेप के मिल रहा है। आओ चलने यदि डिटेल्स देखने। कृष्णा मंदिर पिंड है करेल ढिलों। वैसे तो ढिलों कॉस्ट जी है जटा की है और जटा की गोतं जोड़िया बोतियां ने सिखा दे ने, लेकिन एक करेल ढिलों के मंदिर है और तहसील शकरगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है। क्या बात है, एंड ऑफ द बाउंड्रीज जड़िया ने पाकिस्तान दड़िया ने, तुम समझ लो कि सुखो शमाल और संग्राम या लागे लागे साढ़े सारे व्डे पिंड हिंदुओं के सन, टाउन सन, जिथे कि बड़ी आबादी होंगी सी। हूँ अजकल जड़े ने इतने 47 तो बाद नो लिव लोंग मोर, कोई भी हिंदू फैमिलीज इतने नहीं रहनिया ने, करीब करीब नहीं रहनिया ने, लेकिन इतने मंदिर जड़े ने वो बड़े क्लास के और अनडिस्कवर्ड पे हुए ने। मैं कहंगा कि बहुत यह चीज़ा जदों जदों मेरे एक्सप्लोर होने लग जांदियां ने। मेरे दोस्त आसिफ मुनीर उन्होंने मैनू दावत दी सी आने वास्ते और मैं बहुत ज़्यादा सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने डिस्कवर्ड करके इत्थों जा रहा वहाँ, और तुसीं मेरी तवज्जो दे नाल इह सारिया चीज़ा देखो और इंजॉय करो। यह देखो तुसीं इहदा आर्किटेक्चर देखो तो तुहानूं पता लगेगा कि भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल दा। आओ सब तो पहले तो है ब्रह्मा का अवतार, ठीक है जी, और शिव जी जिहड़े ने वो लेटे हुए ने और राधा नाल है, और उस तो बाद तुसी देखो ए शिव जी लेटे ने, राधा और ब्रह्मा जी का अवतार, ए शिव जी का सिंह। और इतने तुम देखो कुछ वॉल आर्ट तो नज़र आ रहा है, हनुमान जी ये शिव महाराज ने, सॉरी शिव महाराज कह रहे हैं, कृष्णा जी कंपेनियंस। यह पूरी गेट की एंट्रेंस के उत्ते जोड़ा है मीरा जोगन बन नच रही है। यह मीरा डांस करते हुए राधा रानी बनी हुई और वॉलट औरतां दा घड़े चुके जाना और काना दा खलोते होना, मटकी फोड़न वाला जड़ा ए बुढ़िया ने घड़े चुके हुए ने, मुरली मनोहर निकले ने पानी दे चो। ए कुछ उस चीज़ मुतलक जड़ी है कोई स्टोरी है। और इधर कृष्णा जी विद्राधा, मैं कहूँगा कि कृष्णा जी की इन्नी ज़्यादा भगती सी इत्थे कि हर पासे हर जगह देते तुहानू कृष्णा जी की मूर्तियाँ बनिया वॉल फ्रेस्को मिलेगा। इस वॉल फ्रेस्को च तुसी देखो कृष्णा जी बैठे ने और राधा दे गेसू सवार रहे ने। यह देखो गेसू किस तरह सवार ने, यह कंघा फड़िया होया कृष्णा ने और राधा शीशा देख रही है, एक दासी जिहड़ी है शीशा पड़ के खलोती हुई है और कृष्णा जी जिहड़े ने वाल बना रहे हैं। यह मेन जिहड़ी है
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਧਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੀਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੀਰਾ ਜੋਗਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਖਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਅਗਰ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਓਲਡ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਬਟਾਲਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਹੁਣ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਰੋਵਾਲ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਮੁਗਲਈ ਇੱਟ ਨਾਲ ਤਰਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਲਾਂਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਲਾਂਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਲ ਆਰਟ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਫਰੈਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ